नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ जो आवाज़ बुलंद हुई है उसकी आग राजधानी पटना में देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की तरफ से आज पुतला दहन किया गया। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता प्रोफेसर शमसी साहब हैं। शमसी जी, क्या वजह है पश्चिम बंगाल की चिंगारी बिहार में आग लग रही है? देखिए, पश्चिम बंगाल के अंदर में कानून का राज नहीं है, वहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है, वहाँ रूल ऑफ जंगल है और वहाँ कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। वहाँ पे तृणमूल कांग्रेस के गुंडे जो हैं ममता बनर्जी के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ नरसंहार कर रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं, उन्हें गलत केसों में फंसा रहे हैं। चूँकि ममता बनर्जी हताश और निराश हैं और उनको लग रहा है कि आने वाला जो चुनाव बंगाल के अंदर में है वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, तो हताशा और निराशा का परिणाम है कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित करने के लिए, उन पर हिंसक वारदातें करने के लिए, उनको मौत के घाट उतारने के लिए इस प्रकार का रवैया अपना रही हैं। लेकिन ये पब्लिक है, ये सब जानती है, आने वाला जो बंगाल का चुनाव होगा वहाँ भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। इसी हताशा और निराशा के परिणाम के स्वरूप बंगाल के अंदर इस प्रकार का टीएमसी के द्वारा किया जा रहा है। पिछले दिनों आपने देखा कि जिस तरह से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर हमले होते हैं, क्या लगता है कि आखिर ममता बनर्जी ऐसा क्यों कर रही है, क्या वजह उनकी इस हताशा के पीछे? वो डराना चाहती हैं। देखिए, स्टेट की सिक्योरिटी का मामला स्टेट का होता है और जब कोई गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री उस स्टेट में आते हैं तो वहाँ के पुलिस की ये जिम्मेदारी होती है। इस प्रकार से वो चाहती हैं कि माहौल जो है टेरर का माहौल हम कायम करें, आतंक का माहौल कायम करें, डर का माहौल कायम करें, हिंसा का माहौल कायम करें ताकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डर जाएं। लेकिन वही बिहार आरजेडी तो कहती है कि ममता बनर्जी शेरनी है। देखिए, आरजेडी तो भ्रष्टाचार और अपहरण का पर्याय है, राजद जो है वो राजद तो गुंडागर्दी का पर्याय है। तो राजद क्या कहती है? राजद का मतलब है राजनीति का अपराधीकरण, अपराध का राजनीतिकरण, भ्रष्टाचार का सरकारीकरण, ये तो राजद का पर्याय है। तो राजद इस पे क्या बोलती है? इसीलिए तो जनता ने बिहार की राजद को रिजेक्ट कर दिया और डेवलपमेंट को जो है माना और एनडीए सरकार में आई। लगता है आपको कि ममता बनर्जी आगे भी इसी तरीके की हिंसा जारी रखेंगी? देखिए, वो लाख हिंसा जारी करें लेकिन वोट के द्वारा बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी को सत्ता पे काबिज करेगी और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बंगाल में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आएगी। बिल्कुल, तो इनको लगता है कि पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से ममता बनर्जी को शिकस्त देकर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में हिंसा का दौर पश्चिम बंगाल में देखने को मिला है उसकी आग बिहार के राजधानी पटना में भी देखने को मिल रही है। सहयोगी आकाश के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।